हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चहेते चैनल देखो समझो सीखो मेरे संग में। दोस्तों मैं हूं एके और आज मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपका राशन कार्ड बन गया बीपीएल और आपकी जो इनकम है 1,80,000 से कम है, लेकिन फिर भी आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो अगर आपकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, रिक्वायरमेंट क्या होती है बता दूं आपको एक बार। 1,80,000 से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अगर अभी तक नहीं बना है और आपको नहीं पता है कैसे होगा उसका रजिस्ट्रेशन, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे क्या करना है। पूरा का पूरा मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, एक डेमो दिखाऊंगा, तो आप भी अपना आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको एक पूरा कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको आना है अपनी क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको क्रोम में सर्च करना है ग्रीवियंस पोर्टल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे क्लिक हियर टू ऐड ग्रीवियंस, या फिर अगर आपने पहले डाले तो स्टेटस चेक का। ऊपर भी ऐड का मिल रहा है, ऑफिशियल लॉगिन का ऑप्शन है। उसके बाद आपको ऐड न्यू ग्रीवियंस करने के बाद पीपीपी आईडी या फिर आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों में से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फैमिली आईडी अवेलेबल है तो मैं फैमिली आईडी को भर लेता हूँ। फैमिली आईडी भरने के बाद आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन शो करेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और वो करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप अपने ओटीपी को एंटर कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पास ओटीपी आया है, 4 अंकों का ओटीपी आता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ओटीपी जैसे ही डालते हैं तो वैलिडेट ओटीपी करोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप ग्रीवियंस डाल सकते हैं। तो मुझे आयुष्मान भारत की डालनी है, लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिखते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको इनमें से हो आप उन सब की ग्रीवियंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयुष्मान भारत की डाली और इनका नाम आयुष्मान लिस्ट में नहीं आया, इसलिए मैंने ऐड मेंबर पे क्लिक किया। उसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जो मेंबर हैं उनका नाम भर देंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जिस भी मेंबर को आप भरोगे उसका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने बलदेव सिंह मैंने जैसे मैंने एक नाम भर दिया, भरने के बाद उसका एक नंबर भरूँगा जो कि उसका आधार कार्ड नंबर है। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद आपके सामने सबमिट का एक ऑप्शन खुलेगा। अब देख लो, उससे पहले एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे ना, आप देख लो एक ऑप्शन है कि जिसका नाम आपने भरा है उसका हेड के साथ क्या रिलेशन है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे फिल करना, नहीं तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं भरा या फिर गलत भर दिया। तो जैसे ये इनका जो रिलेशन ओनर के साथ है वो है सन है या उनके, तो मैं यहाँ पे सन सेलेक्ट करूँगा। आपका जो भी होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन खुलेगा। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, जैसे ही आप दिखा रहा है सबमिट जग गया, आप देखना पहले नहीं जग रहा था, अब जग गया है, मतलब कलर सा दिखने लगा है। तो ये मेरा हो गया है आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन। तो ये एक ग्रीवियंस आईडी आपको मिल गई, इसको आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर के पास भेज सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो बस होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप अभी अपना आयुष्मान अप्लाई खुद से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव से शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी आयुष्मान कार्ड बन जाए और उनको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसे ही वीडियोस और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।